हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ जैन और आप देख रहे हैं होम लाइफस्टाइल चैनल, जिसमें हम आपके घर बनाते वक्त जो भी परेशानियां आती है, नए मटेरियल्स, सारे नए ट्रेंड्स, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं और आपको सॉल्यूशन देते हैं। और आज का वीडियो इज अबाउट बेस्ट किचन फिनिश मटेरियल। अपना किचन बनाते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में कि फिनिश में अपने जो किचन है, जो जैसे पीछे किचन आपको दिख रहा है, बाहर फिनिशिंग में जो मटेरियल दिख रहा है, ये कौन सा लगाऊं, कौन सा कितने प्राइस का बैठेगा, कौन सा अच्छा ब्रांड है, कौन सा कलर लगा सकता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहिए और आई कैन गारंटी 100% इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि आपके बजट के हिसाब से, आपके फिनिशिंग के हिसाब से आपको कौन सा फिनिश सेलेक्ट करना है। पहला है आपका लैमिनेट। लैमिनेट फिनिश, पुराने जमाने में लोग उसको माइका बोलते थे। तो पहला लैमिनेट, दूसरा एक्रेलिक फिनिश के बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत ही ग्लॉसी है और पीछे भी हमारे किचन में लगी हुई है, बहुत रिफ्लेक्टिव फिनिश होती है। तीसरा हम पीयू के बारे में बात करेंगे, इसको लोकल टर्म में डीको भी बोलते हैं, तो और उसको कई लोग लैकर्ड पेंट फिनिश भी बोलते हैं। तो तीसरे इस मटेरियल के बारे में बात करेंगे। चौथा मटेरियल आपका प्योर वुड शटर, वुडन बेस में, स्टीक वुड के बेस पे ये आपकी किचन शटर होती है, बहुत प्रीमियम लगती है जब आप लग्जरी किचन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं लैमिनेट शटर की, ये है लैमिनेट शटर और इसमें भी ये हाई ग्लॉस लैमिनेट शटर है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये पूरे रेंज में सबसे इकोनॉमिकल है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात करूं तो इसका प्रो सबसे बड़ा ये है कि ये सब पूरी रेंज में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसकी शटर कंप्लीट होके समवेयर अराउंड मिनिमम आपका 300 से लेके 600 रुपीज तक बन जाती है, डिपेंड्स ऑन रेंज टू रेंज, कलर टू कलर एंड फिनिश टू फिनिश। इसमें आपके पास जो एज बैंड का ऑप्शन रहता है, अगर आप फैक्ट्री फिनिश में जाते हो तो मल्टीपल एज बैंड ऑप्शन रहते हैं, जैसे इसमें 3D एज बैंड लगा हुआ है, PVC की एज बैंड आती है, जो आप फिनिश कलर सेलेक्ट करेंगे उसी से सिमिलर आपको एज बैंड भी सेलेक्ट करना है। तो इसमें ये जो कलर लगा हुआ है आप देख रहे हैं सामने, ये वेलमिका कंपनी का कलर है और इसमें आपको वेलमिका, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसका ये हाई ग्लॉस है। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे सेम आपको उसका लैमिनेट शटर मिलेगा, तो आपको बहुत ध्यान से ये सिलेक्शन करना है। और हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप 3D के बेस पे करें तो और अच्छा है। अब इस पे अपन जानते हैं कि फिनिश इसके ऊपर कौन कौन सी आती है। मैं कलर तो सेलेक्ट कर लिया, बट जैसे सबसे आखिरी में देखिए आप, ये हाई ग्लॉस फिनिश है तो ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, ये लास्ट वाली जो हमारे पैनल में हुई है। उसके बाद जो ये आपकी दूसरी फिनिश है, ये लैमिनेट के अंदर PU फिनिश है, तो ये उतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होती जितनी आपकी हाई ग्लॉस होती है, बट ये अपना एक अलग टेक्सचर फील देती है, तो इसको भी आप किचन में यूज कर सकते हैं। देन फिर ये शिफॉन फिनिश आती है इसमें, इसको मैं किचन में उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा मांगती है, वार्डरोब के लिए और स्टोरेज यूनिट के लिए ये ठीक है। फिर अगली है सिल्की मैट, इसमें भी आप देखेंगे कि तो ये बहुत मैट और मॉडर्न फील देती है, नॉट फॉर किचन, वार्डरोब के अलावा आप इसको यूज कर सकते हो। देन इसको जीरो फिनिश बोलते हैं, ये भी वुडन फिनिश जैसी है, आपको मैं दिखाऊं ये पास से, तो ये वुडन जैसा फिनिश आ रहा है इसमें। तो ये वेलमिका में आपको 5 फिनिश लैमिनेट के अंदर मिल जाते हैं, आपके डिजाइन और ओवरऑल फिनिश पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं, और आपका जो किचन शटर फ्रंट बन के होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, इतना अगर हाई ग्लॉस ले रहे तो इतना रिफ्लेक्टिव आपको दिखेगा। अब क्या होता है कि इसके कॉन्स क्या है, इसके कॉन्स ऐसा तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी मेंटेनेंस रिलेटिवली आपकी, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल है तो उसको कॉन भी नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, इसलिए आप हाई ग्लॉस ही सेलेक्ट करें मॉड्यूलर किचन में। अगर आप टेक्सचर्ड या फिर इसमें मैट फिनिश ऑप्शन जाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस ज्यादा है, हाई ग्लॉस में मेंटेनेंस नहीं है, तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। और कौन बोलूंगा, तो एस्थेटिकली अगर आप बहुत लग्जूरियस किचन देख रहे हैं, बहुत रिफ्लेक्टिव किचन देख रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारे नेक्स्ट मटेरियल में एक्रेलिक के बारे में बताऊंगा उसका होता है। तो ये कौन है, प्रो तो आप समझ ही गए होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत वैरायटी में कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा, मेरे बहुत ही ज्यादा मैं पसंद करता हूं अगर मैं इकोनॉमिकल किचन की बात करूं तो। अब इस पे ब्रांड्स कौन कौन से अच्छे हैं अगर हम उनके बारे में बात करें, तो इसमें वन ऑफ दी बेस्ट ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है बहुत टाइम से है, दैट इज मरीनो, बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। सेकेंड इज रॉयल टच, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट ब्रांड विथ अ लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस,
थर्ड इज वेलमेका, दैट हैज कम अप विद रियली गुड पेस्टल कलर्स। अगर आप पेस्टल कलर के फैन हैं तो ये वेलमेका इज अ वेरी गुड ब्रांड इन लैमिनेट। ये जो पैनल लगा है आपने देखा, ये भी वेलमेका से है। तो वी आर यूजिंग वेलमेका अलॉट एंड दिस और मोर। यहाँ पे आज के टाइम में लैमिनेट में ब्रांड्स है जैसे वॉक्सेबल है एंड योर वर्गो है एंड दिस लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इसमें ब्रांड्स के साथ साथ कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली चेक करनी है, दैट इज कितनी थिकनेस का आता है ये। जैसे कोई भी ब्रांड में ये 0.8 mm का आता है, 0.8 mm मैं रिकमेंड नहीं करता किचन में, एटलीस्ट 1 mm या फिर 1.5 mm का आप लैमिनेट लगाइए। तो हर ब्रांड का 0.8 mm का लैमिनेट की कैटलॉग अलग होता है, 1 mm का कैटलॉग अलग होता है, 1.5 mm का कैटेगरी अलग होती है, मैट की कैटेगरी अलग होती है और उनके प्राइजेस वैसे डिफर करते जाते हैं जैसे जैसे उसकी mm इंक्रीज होते जाती है या टेक्सचर्स चेंज होते जाते हैं। तो ये थी सारी चीजें अबाउट लैमिनेट। सो अगर मैं लैमिनेट को समराइज करूं तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं, लो मेंटेनेंस ऑप्शन देख रहे हैं और बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन चाह रहे हैं कि आप इसमें एक्सप्लोर कर सके, तो लैमिनेट एक बहुत अच्छा मटेरियल है। बस ध्यान रखिए, अगर आपको लो मेंटेनेंस चाहिए तो हाई ग्लॉस में जाना इन कंपेरिजन ऑफ टेक्सचर्ड ऑप्शन। सो इसी के साथ अब हम अपने पहुंचते हैं दूसरे मटेरियल में, जो दूसरा फिनिश मटेरियल है, दैट इज एक्रेलिक। ये बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, बहुत प्रीमियम मटेरियल है और आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। तो पीछे जो हमने अपने किचन में लगाया हुआ है, दैट इज ऑल्सो एक्रेलिक। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा वो रिफ्लेक्टिव है। अगर आपकी छोटी स्पेस है और आप चाहते हैं कि आपका किचन बड़ा दिखे, रिफ्लेक्टिव दिखे, तो अगर आप उसमें सही लाइट लगा रहे हैं तो एक्रेलिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब बेसिक अगर बोलेंगे कि यार रिफ्लेक्शन में आप अगर फैक्ट्री फिनिश है तो लैमिनेट और एक्रेलिक में पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप फिर भी देखेंगे कि अगर मैं कंपेयर करूं तो जो एक्रेलिक की रिफ्लेक्शन की लाइन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है इन कंपैरिजन ऑफ लैमिनेट। जब उसको लाइट के अगेंस्ट आप रखेंगे तभी आपको पता चलेगा, एक्रेलिक बहुत ही क्लियर मिरर लाइक फिनिश देता है इन कंपैरिजन ऑफ लैमिनेट। साइड बाय साइड रख के भी उतना पता नहीं चलता फिनिशिंग में, बट हाँ जब आप रिफ्लेक्शन देखते तभी आपको फैक्ट्री फिनिश में लैमिनेट और एक्रेलिक के बीच में डिफरेंस पता चलता है। अब एक्रेलिक लगाते वक्त में जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या चीजों का ध्यान रखना है, एक्रेलिक के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, तो एक्रेलिक के प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। प्रोज तो ये है कि बहुत हाईली रिफ्लेक्टिव है, छोटे किचन के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल है क्योंकि वो किचन को बड़ा फील कराता है। लो मेंटेनेंस है, आज के टाइम में कंपनीज इसको एंटी स्क्रैच भी बना रही है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अब इसमें क्या है कि इन कंपैरिजन ऑफ अगर मैं लैमिनेट देखूं तो इसमें टेक्सचर ऑप्शंस आपको ज्यादा नहीं है, कलर ऑप्शन भी आपको कहीं ना कहीं तक लिमिटेड है, बट जितने भी हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे, बहुत ही ज्यादा अच्छे और ट्रेंडी कलर ऑप्शंस एक्रेलिक में अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन ऑफ योर लैमिनेट। तो एक्रेलिक मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एक्टिवली जो मिड रेंज किचन हैं जो हम बना रहे हैं और जो मॉडर्न फील चाह रहे हैं, एक नया कंटेम्प्रेरी फील चाह रहे हैं अपने किचन में, तो हम एक्रेलिक को हाईली यूज कर रहे हैं। अब अपन समझते हैं कि एक्रेलिक के कॉन्स क्या है। अब एक्रेलिक क्योंकि हमने जैसे बात की कि ये एकदम ज्यादा ग्लॉसी फिनिश है, तो इसमें आपके बोला जाता है कि ये एंटी फिंगर प्रिंट है, बट आपको क्योंकि ग्लॉस होने की वजह से फिंगरप्रिंट इसमें दिखते हैं अगर आप एकदम रेगुलर यूज करो। बहुत इजी टू क्लीन है, तो साफ भी हो जाते हैं बट दिखते भी हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा कौन क्या है, ये लैमिनेट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली किचन देख रहे हैं तो आप एक्रेलिक अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये 20-25% आपका लैमिनेट से महंगा है, हाई ग्लॉस लैमिनेट से महंगा है। अगर आपके लिए रिफ्लेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लैमिनेट में स्टिक कीजिए, एक्रेलिक में मत जाइए। इसमें भी जैसे लैमिनेट में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं ऑन डेप्थ, जैसे जैसे मैंने बताया कि लैमिनेट में 0.8 mm, 1 mm, 1.5 mm मैक्सिमम आता है, बट इसमें और ज्यादा डेप्थ आती है। इसमें स्टार्टिंग रेंज होती है आपकी 1 mm एक्रेलिक से, सेकेंड ऑप्शन होता है 1.5, 2 mm, 3 mm, 4 mm, इवन 5 mm तक एक्रेलिक आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। और जितना ज्यादा mm आप एक्रेलिक लेंगे उसकी कॉस्टिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, बट उसका रिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ते जाएगा, बहुत लग्जूरियस लगता जाएगा। तो यह आज के टाइम में जो पहले लेकर ग्लास या फिर बैक पेंटेड ग्लास मार्केट में आते थे, किचन में बहुत यूज आते थे, अब एक्रेलिक उस मार्केट को पूरा खत्म करके एकदम ज्यादा आगे बढ़ चुका है और कंप्लीटली यूज हो रहा है मार्केट में। और इसके जो कुछ अच्छे ब्रांड्स जो आज के टाइम मार्केट में अवेलेबल है, जो ये लगा हुआ है, ये एलिमो ब्रांड का एक्रेलिक लगा हुआ है, बहुत अच्छा एक्रेलिक है वो। देन उसमें जेनोआ इज अ वेरी गुड ब्रांड दैट इज
कम अप इन मार्केट विद रियली गुड एक्रेलिक्स. यूरो प्रतीक इज वेरी फाइन ब्रांड एंड इफ यू आर गोइंग ऑन एन लग्जूरियस फील लग्जूरियस इवन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एक्रेलिक रेहुआ इज लाइक अ वेरी वेरी गुड ब्रांड. सो अगर आप उसके एक्रेलिक लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और अच्छा आउटकम देंगे. अब इसी से आगे जब हम बढ़ते हैं तो लैमिनेट और एक्रेलिक मॉडर्न टेस्ट वाले लोग यूज करते हैं, बट जिसका ट्रेडिशनल टेस्ट है, ट्रेडिशनल किचन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको एक सीमलेस लुक मिले, इवन वो कितने भी ग्रूव्स बना ले, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है जो आपको दिख रहा है आपके सामने. दिस इज योर PU पेंटेड शटर्स. तो इसका जो ये शटर्स हैं ये HDHMR बेस में बनते हैं और इसको PU पेंट किया जाता है. तो पेंट के आपके पास इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसका देख रहे हैं, ये आपका इससे सेलेक्ट हुआ है दिस कलर, बट आपके पास यहाँ पे मल्टीपल वैरायटी ऑफ कलर्स हैं जो आप इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम फिनिश पा सकते हैं. तो ये ऐसे कुछ जब किचन आपको बनाने होते हैं, ट्रेडिशनल किचन बनाने होते हैं, तो PU इज दी बेस्ट वे टू गो. इसमें आप कितने भी ग्रूव्स कीजिए वो सीधा पेंट हो जाता है, तो बहुत सीमलेस लुक आता है. अब इसमें भी क्या है कि बात करेंगे, क्योंकि पेंट है, वाटरप्रूफ होगा कि नहीं, इजी टू मेंटेन होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती है. तो इसलिए अगर ये पेंटेड है तो आपको वेल लेयर्ड पेंट करना पड़ता है. 5 to 7 लेयर्स ऑफ पेंट आप इसमें करेंगे, प्लस आप अच्छे ब्रांड का पेंट को प्रेफर करेंगे, जैसे सिरका और भी इसमें कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन आप ट्राई करेंगे कि जो आपका कोर मटेरियल है उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. अगर आप HDHMR लगा रहे हैं तो उसकी जगह MDF मत लगाइए, क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं होता है. HDHMR इज हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड, तो आप हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट और हाई डेंसिटी बोर्ड ही यूज करें अगर आप PU में जा रहे हैं. MDF अवॉइड करें अपने किचन में आप जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं. इसके बाद हम फोर्थ मटेरियल में जाते हैं, जो कि सबसे प्रीमियम एक्सक्लूसिव मटेरियल है जो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज प्योर वुड. ये पूरा प्योर वुड शटर है और इसके पीछे भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज प्योर वुड. वरना मेम्ब्रेन शटर्स भी आते हैं जिसमें पीछे आपका नॉर्मल प्लाईवुड होता है और मेम्ब्रेन के थ्रू ये फिनिश अचीव की जाती है, बट ये प्योर वुड शटर है. ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है और आप कुछ ट्रेडिशनल स्पैनिश थीम अगर किचन चाह रहे हैं जो ऐसा कुछ दिखे, तो उसके लिए ये एकदम बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है. ये ऐसा है कि ये ब्लॉक्स आते हैं प्योर वुड के और इसकी ऐसी जॉइनरीज बनती है जो बहुत सीमलेस और क्लीन रहती है. ये वाटरप्रूफ भी होता है, आपको ट्रीटेड वुड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, बाकी सब फॉर एग्जांपल अगर लैमिनेट X का पड़ेगा तो प्योर वुड आपको एटलीस्ट 2X कॉस्ट का पड़ेगा. और अगर मैं प्राइजेज में भी अभी लास्ट में उसको समराइज में डिस्कशन करूंगा कि कौन से किचन में क्या लगाना है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है. ट्रेडिशनल किचन के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं. अब ओवरऑल आप में से पूछेंगे कि मेरे को अपने किचन में कौन सा फिनिश लगाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं और लो मेंटेनेंस ऑप्शन देख रहे हैं तो ये हाई ग्लॉस लैमिनेट इज द बेस्ट वे टू गो. इसमें आप मैचिंग एज बैंड लीजिए और इसको लगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बहुत अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है अगर फैक्ट्री मेड में जाते हो तो. अगर आपको एक प्रीमियम किचन देखना है जिसमें आपको लुक बहुत लग्जीरियस आए, जैसे पीछे आप देख रहे हैं बहुत रिफ्लेक्टिव लुक आए, तो आप एक्रेलिक लगाइए. इसमें मिनिमम मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1.5 mm एक्रेलिक लगाने का, 1 mm का कोई मतलब नहीं है, 1.5 mm लगाइए और उसके बाद देखिए आपका बजट क्या अलाउ करता है ऊपर बढ़ने के लिए, तो 2 mm 4 mm 5 mm भी लगा सकते हैं. अगर आपको ट्रेडिशनल किचन बनाना है तो ये PU शटर्स, यूरोपियन स्टाइल किचन, इटालियन स्टाइल किचन बनाना है तो ये PU शटर्स आर बेस्ट. अलॉन्ग साइड अगर स्पैनिश थीम में जाना है, वुडन पसंद है आपको बहुत ज्यादा, तो ये वुड प्योर टीक वुड शटर जो पीछे से भी आपको ऐसे वुड दिखे, ये आप साथ में लगा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो. तो ये बेस ग्राउंड रखिए अपने सिलेक्शन का. सो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब आप अपने किचन का शटर फिनिश सेलेक्ट करने वाले हो. और कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कि आप इन चारों में से अपने किचन में कौन सा यूज करने वाले हैं, और घर बनाते वक्त या किचन बनाते वक्त आपको कोई भी क्वेश्चन, लिटरली कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, उसको कमेंट में बताइए. हम उस पर वीडियोज बनाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. और क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद एवरीवन हु इज मेकिंग देयर होम. तो आई होप
यू enjoyed दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं।